क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रामलला जन्म उत्सव भव्य मंदिर निर्माण के लिए चेतना यात्रा निकाली जा रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त हिंदू एवं हिंदूवादी संगठन के लिए श्री रामलला जन्म उत्सव भव्य मंदिर निर्माण व चेतना यात्रा निकाली जा रही है। यह रैली 13 अप्रैल शाम 4 बजे धानवी बाग तालाब नाला सुपारा से होते हुए गुरु दत्त नगर विरार में संपन्न होगी। यह कार्यक्रम पिछले 3 सालों से हिंदू शक्ति के एकीकरण के लिए की जा रही है। वहीं चंद्रशेखर गुप्ता, शिव कुमार पांडे, मनोज जोशी, प्रवीण शर्मा ने चेतना यात्रा के बारे में जानकारी दी। जो चेतना रैली निकाली जा रही है, किन संगठनों के द्वारा निकाली जा रही है और इस चेतना रैली के क्या उद्देश्य है? ये जो चेतना यात्रा है, सन 2016 में इसकी शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य एक ही था कि वसई विरार में हिंदुत्व के जो छोटी छोटी नदियां काम कर रही थी, उन सबको एक समंदर बनाना, उन सबको एकत्रित करना, एक जगह पे लाना, एक सूत्र में सारी मोतियों को पिरोना। 2016 में इस यात्रा को आरंभ करने के बाद ये जो चेतना यात्रा थी इतने बड़े पैमाने पर हुई कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। और 2017 में फिर से इसी भव्य राम मंदिर निर्माण चेतना यात्रा का प्रचार प्रसार करते वक्त हमने अपने ही बनाए रिकॉर्ड को फिर से तोड़ा। 2018 में फिर से एक बार कीर्तिमान स्थापित करते हुए 2017 को अपने ही बनाए रिकॉर्ड को फिर से तोड़ा। इस बार हम सब की ऐसी अपेक्षा है और इस बार भी ऐसी हम आशा करते हैं कि जो जिस प्रकार से हम सबको यहाँ पर तमाम हिंदू संगठनों का, हिंदूवादी भाइयों का, या जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, हमें बिल्कुल अपेक्षा है कि अपने ही बनाए पिछले वर्ष के कीर्तिमान को हम फिर एक कदम और आगे लेकर के जाएंगे। और मैं आप सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसी चेतना का प्रचार प्रसार करने के लिए 13 तारीख को धानियू बाग तालाब से विरार के गुरुदत्त नगर तक जो यात्रा चलने वाली है, उसमें आप सभी सम्मिलित हों और हिंदू शक्ति की एकजुटता का परिचय दें। जब हिंदू संगठित होता है तो संगठित हिंदू ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस चेतना यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति देकर इस यात्रा को और भव्य बनाए और हिंदू शक्ति के एकत्रीकरण के इस पर्व का हिस्सा बनकर हिंदू शक्ति को, हिंदू समाज को और मजबूत करें। जय श्री राम। भव्य राम मंदिर निर्माण चेतना यात्रा वसई जिला, हमारी ये चेतना यात्रा एक अपने आप में एक अनूठा संगम है और हिंदू जनमानस की एकता दिखाने वाला। आजकल हम ये प्रश्न तो उठते हैं कि हिंदू एक कब होगा, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि पिछले 4 वर्षों से इस चेतना यात्रा के उपलक्ष्य में समस्त हिंदूवादी संगठन और उनके नेता एकत्र होकर ये चेतना यात्रा करते आए हैं, जिससे भव्य राम मंदिर निर्माण को संभावना हो सके और बल मिले, सभी हिंदू एकजुट हो और ये संदेश पूरे देश भर में जाए। इस वजह से हम ये चेतना यात्रा हर वर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी इस बार करेंगे और संपूर्ण समर्थन रहेगा सभी संगठनों का। चेतना यात्रा श्री राम जी की जो रैली निकली है, यहाँ सभी हिंदूवादी संगठन एक आकर एक साथ यह रैली निकाल रहे हैं और एक प्रकार से यह हिंदुत्व का शक्ति प्रदर्शन होगा। मेरा नाम योगेश खंडेलवाल है, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। एक जो ये रामनवमी के उत्सव पे ये जो बना रैली निकल रही है और ये जो उत्सव बना रहे हैं, एक सभी हिंदू भाई को एक मैसेज आता है, इसके सभी को सपोर्ट करना चाहिए। एक सभी हिंदुत्व के भाई है जो हमारे, उन सबको ऐसा बोला जाता है कि एक ना सबको दिखना चाहिए कि हिंदुत्व भी जिंदा है और एक जोश होना चाहिए सबके ना इसमें कि हाँ सभी ना सपोर्ट करें हिंदू को और अपने हिंदू भाई को, ऐसा एक ऐसा मैसेज आना चाहिए और एक राम मंदिर का मैसेज आना चाहिए कि हाँ ये इतने लोग उत्सुक है कि राम मंदिर का निर्माण हो और ना मोदी जी से इनसे ना ये है एक आस लेके बैठे कि राम मंदिर बने, ऐसा। इस चेतना यात्रा के विषय पे एक ही बात बोलूँगा, सभी हिंदू संगठन एक होकर ये जो शोभा चेतना यात्रा निकाली जा रही है, उसमें हिंदुओं की शक्ति एक तरफ से दिखाई जाएगी
और यहाँ के लोगों को जो दहशतवादी लोग हैं उनको हिंदू एकत्र होकर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कारे वीर बजरंगी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाला सपाला से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।